आजमगढ़ थाना अध्यक्ष गंभीरपुर बसंत लाल पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मोबाइल टावर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अजना की चोरी करने वाले एक गिरोह अजना उपकरण तथा तीन चाहनों के साथ ग्राम रामपुर में मौजूद है। कुछ ही देर में हाईवे पर आकर वाराणसी की तरफ जाने वाले हैं। उक्त गिरोह में कई सदस्य हैं तथा इनके द्वारा जनपद आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी आदि जनपदों में रात्रि में टावर पर चढ़कर अजना उपकरण को चोरी से खोलकर खरीदने बेचने का कार्य कई महीनों से चोरी छिपे किया जा रहा है। यदि कार्यवाही जल्द ही की जाए तो सभी पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष बसंत लाल द्वारा चौकी इंचार्ज गोसाई की बाजार को पुलिस फोर्स के साथ उमरी श्री ओवर ब्रिज हाईवे के पास पहुंचने के लिए बताया गया। थाना अध्यक्ष पुलिस टीम रोहुआ तिराहे से उमरी श्री ओवर ब्रिज पर पहुंची। चोरी करने वाले गिरोह नहर के रास्ते 13 चार पहिया वाहन के साथ 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर उमरी श्री पुल की तरफ से आ रहे थे। कुछ देर पश्चात 3 चार पहिया वाहन तथा उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस फोर्स द्वारा तीनों गाड़ियों को रोककर चेक किया जाने लगा। तब तक मोटरसाइकिल सवार 4 व्यक्ति पीछे मुड़कर उमरी श्री की तरफ फरार हो गए। पहले वाहन कार स्विफ्ट डिजायर में 5 व्यक्ति बैठे हुए थे। वाहन के डिग्गी में 4 अजना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल टावर, चोरी किया हुआ माल बरामद हुआ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।